मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन द ईयर 1864। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी इज कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है कंटिन्यूसली निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और इस एनर्जी को कहेंगे रेडिएंट एनर्जी। बेटा जैसे कि एक बल्ब है, एक बल्ब से जो एनर्जी निकल रही है वो कंटिन्यूसली निकलती है, सूर्य से जो रोशनी निकल रही है वो कंटिन्यूसली आती है, और दिस एनर्जी इज़ नोन एज रेडिएंट एनर्जी। ये पहला पॉइंट है, आपको याद करना है। सेकेंड आ जाता है, किसी भी जो रेडिएशंस हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि वेव नेचर तो शो करती है लाइट, तो दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ये जो कंपोनेंट है आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, और ये क्या हो गया आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और जिस डायरेक्शन में लाइट फ्लो कर रही है ये उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। सेकेंड पॉइंट यही है कि रेडिएशंस के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली ओसिलेट करते हैं, और टू दी लाइन ऑफ प्रोपोगेशन। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में कोई चीज़ चल रही है, और इसी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही द रेडिएशंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उसके बाद में इन वेव्स को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है टू ट्रेवल। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। थर्ड पॉइंट ये है, दीज रेडिएशन पोजेस वेव करेक्टर, यानी कि ये रेडिएशंस हैं वेव करेक्टर शो करती हैं, और उस स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से लाइट चलती है। तो बेटा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ये चारों पॉइंट याद करने हैं। आपको क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ जाता है, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। बेटा एक वेव ऐसी होती है, ऐसे मूव करती है वेव, इसके ऊपर एक क्रेस्ट जो ऊंचे वाला हिस्सा होता है वो क्रेस्ट, जो नीचे वाला दबा हुआ हिस्सा होगा वो होगा ट्रफ कहलाएगा। इनको सबको क्रेस्ट कहेंगे, इन सबको हम क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, यानी कि दो क्रेस्ट की दूरी या दो ट्रफ की दूरी को हम लेंथ कहेंगे, यानी कि वेव लेंथ। अब लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ऑब्वियस सी बात है इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी, मीटर या एंगस्ट्रॉन्ग। एक एंगस्ट्रॉन्ग में मैंने आपको पहले भी बताया था 10^-8 सेंटीमीटर होते हैं, या 10^-10 मीटर। एक नैनोमीटर में 10^-9 नैनोमीटर होते हैं, एक पिकोमीटर में 10^-12। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेव लेंथ। नेक्स्ट करते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी कि एक पॉइंट से कितनी वेव्स 1 सेकेंड में जा सकती हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी साइकल्स पर सेकेंड में इसकी यूनिट होती है, यानी कि 1 साइकल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, हर्ज। नेक्स्ट आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। 1 सेकेंड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करती है उसे कहेंगे वेलोसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और इसकी यूनिट, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो ये बेटा हाइट है क्रेस्ट की या डेप्थ है ट्रफ की, वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। यानी कि हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका वेव नंबर। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज द वेव नंबर। और ऑब्वियस ही बात है ये किसका रेसिप्रोकल होगा, वेव लेंथ का होगा। वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, वेव नंबर को न्यू बार से।
तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। वेव लेंथ की यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ये फार्मूला याद रखना। c इज इक्वल टू न्यू इंटू में लेमडा, या सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यू इज इक्वल टू c ओवर लेमडा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। आपको कोई दो चीज़ दी होंगी, तीसरी कैलकुलेट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको वेव लेंथ दे दी, कहेंगे फ्रीक्वेंसी निकालो, तो वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? c ओवर में लेमडा। बेटा किसी भी सोर्स से डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस निकलती हैं, कोई यूवी रेडिएशंस है, कोई गामा रेडिएशंस है, कोई एक्स रेज है। यदि मैं इन सब की बात करूं तो इनको अरेंज की कर सकते हैं हम, या तो, क्योंकि देखो आप खुद सोचिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स रिलेटेड हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी लैम्डा कम होगी। तो आप इन सारी रेडिएशंस को अरेंज कर सकते हो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की अरेंजमेंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। याद करने का तरीका ये है कि कौन सी रेडिएशन है किस आधार पर अरेंज होगी। इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर ये है, याद करने का तरीका बताती हूँ। सी जी एक्स यू वी आई एम आर, ऐसे याद कर लो, सी जी एक्स आर यू वी आई एम आर। सी फॉर कॉस्मिक, जी फॉर गामा, एक्स फॉर एक्स रेज, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, वी फॉर विजिबल, आई फॉर इंफ्रारेड रेड, एम फॉर माइक्रोवेव, आर फॉर रेडियो वेव। याद करने का बेस्ट तरीका है सी जी एक्स यू वी आई एम आर। इनको अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। ये है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सभी रेडिएशंस को अरेंज किया है। सबसे पहले कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल। विजिबल में सारे आ जाते हैं, विबग्योर आपके, वॉयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम। इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, IR माइक्रोवेव रेडियो वेव्स। तो ये आपको स्पेक्ट्रा याद करना है, सबकी वेवलेंथ दे रखी है, याद करेंगे। अब बारी आ जाती है, कुछ सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। सॉल्व न्यूमेरिकल की मैं आपको वीडियो भेजती हूँ, आप खुद करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। पहला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए इसे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध भारती है डेली ब्रॉडकास्टर हैज़ ए फ्रीक्वेंसी दे रखी किलोहर्ट्ज़ में। किलोहर्ट्ज़ में पहले इसको हर्ज़ में बदलोगे, वेवलेंथ निकालोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन वही है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर न्यू, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करके है, हर्ज में कन्वर्ट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है 400 नैनोमीटर और 750 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले तो इस वेवलेंथ को करोगे, फिर इस वेवलेंथ को एक्सप्रेस करोगे, दो बार आपने करना है। देखो करके दिखा रखे हैं, सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं आपके, मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ IR रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, आपको क्या दे रखा है बेटा? लैम्डा दे रखा है। फार्मूला लगाएंगे, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सी की वैल्यू आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸, और सॉल्व करेंगे। एक करके दिखाते हैं आपको, जैसे आपको दिखा बोल रखा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3×10⁶ नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी दे कैलकुलेट करिए, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दे रखी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3×10⁶ नैनोमीटर। नैनोमीटर को आप सबसे पहले तो किस में बदलेंगे बेटा? मीटर में बदलेंगे। तो मैंने आपको पीछे बताया था, एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ होते हैं, तो 3×10⁶ गुणा में 10⁻⁹ मीटर, ये हो गई वेवलेंथ। फार्मूला मैंने बताया था, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा।
सी आपका कितना है, 3 × स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ आपको ये दे रखी है 3 × 10⁻⁶ × 10⁻⁹ जो कटे वो काट दीजिए, 10⁻⁹ में से 6 गया, 10⁻⁢ बचा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10³। बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो 10⁻११ आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यूनिट क्या होगी हर्ज। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, बाकी बची हुए न्यूमेरिकल्स ये रहे, नोट कर लीजिए। कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल, इस रेंज में पहले इस रेंज का लेंथ एंगस्ट्रॉन्ग में दे रखी है, मीटर में बदलोगे इसको और इसकी अलग अलग निकालोगे फ्रीक्वेंसी, वो रेंज आ जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप पहले क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे, फिर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। वेलोसिटी आपका फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक। वेलोसिटी आपको पता है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम निकाल लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁻⁸। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है फ्रीक्वेंसी, इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको न्यू 4 × 10⁻⁷ हर्ज, ठीक है। आपने निकालना है वेव नंबर, पहले निकालेंगे वेव लेंथ, उसका इन्वर्स कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वेव नंबर, क्योंकि वेव नंबर का फार्मूला मैंने आपको बताया था, वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो लेमडा आपका पहले आ जाएगा, उसका 1/λ कर देंगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है, अनदर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं इस फ्रीक्वेंसी, मेगा हर्ज दे रखा है, मेगा हर्ज को हर्ज में बदलोगे, किलो हर्ज को भी हर्ज में बदलोगे, ठीक है। व्हाट आर द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन, इसकी वेव लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले तो आप इसको किस में बदलोगे, हर्ज में, फिर लगाओगे फार्मूला न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, से आपने लैम्डा निकालना है। सेकेंड केस में भी सेम करना है, मेगा हर्ज को हर्ज में बदलना है, फिर इसे आपने निकालनी है वेव लेंथ है। वेव लेंथ निकालने के बाद में आप क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ये रही बेटा इनकी हिंट्स, ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। इतना आज के लिए काफ़ी है, आप लोग इनको सॉल्व कीजिए इन न्यूमेरिकल्स को, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।